आर बी आई ने आज पचास बेसिस से रेपो रेट हाइक किया है और सी आर आर हाईको को अनचेंज रखा है नॉ दिस वॉज वेरी मच इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशन था एंड विच इज़ वाई मार्केट्स हैव सम साइट ऑफ रिलीफ दैट आर बी आई इज़ नॉट नॉर्मलाइजिंग द मॉनिटरी पॉलिसी इन एग्रेसिव मैनर बट जो क्लियर कम्युनिकेशन आर बी आई देना चाहता था इस पॉलिसी के थ्रू इज दैट कि अनसर्टेनिटीज़ जो हैं बहुत ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह से कोई भी प्री सेट मोड पे पॉलिसी या फॉरवर्ड गाइडेंस देना किसी भी फ्रंट पे बहुत डिफिकल्ट है तीसरी चीज़ जो आर ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है आज की पॉलिसी में वो ये है कि वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैलिब्रेटेड मैनर में हो नॉन डिस्ट्रप्टिव मैनर में हो जिसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट मिनिमल हो ऑन द नेगेटिव साइड और एट द सेम टाइम फॉर टुडे या इस टाइम पे प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है

हमारा रेपो रेट हुआ है अभी 4.90 तो 4.90 से हम 7% परसेंट चले जाएंगे विद इन अ मैटर ऑफ 12 मंथ्स सो अबाउट एवरी पॉलिसी फ्रॉम हेयर ऑन मार्केट इज ऑलरेडी फैक्टरिंग इन कि 50 बेसिस का हाइक होगा इसकी वजह से शॉर्टर एंड पार्ट ऑफ द कब है वो बहुत एग्रेसिव हाइक प्राइस कर रहा है अगर हमारी प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है तो शायद आर इस पेस ऑफ रेट हाइक पे इंक्रीज कर देगा uh, जो लॉन्गर एंड पार्ट ऑफ द कर्व है वहाँ पर अभी भी डिमांड सप्लाई का जो टेक्निकल मिसमैच है बिकॉज फिजिकल जो हमारा प्री कोविड नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट साढ़े तीन परसेंट पे था जो अब क्लोजर टू सेवन परसेंट पे रेट पे प्रिंट uh, होगा तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रॉर्डनरी सप्लाई और डिमांड का मिसमैच है लॉन्गर एंड पे वहाँ पे लॉन्गर एंड पे ये कर्व Uh, उस रियलिटी को ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है विच इज़ बाई हमें लगता है कि जो लॉन्गर एंड पॉइंट ऑफ द कर्व है विच स्पेसिफिकली 10 साल का जी सेक है वो क्लोजर टू 775 सेवेंटी फाइव टू एट परसेंट की रेंज में ट्रेड होना चाहिए अगले तीन से छः महीने के अंदर अनलेस आर बी आई कुछ बड़ा इंटरवेंशन करे या फिर जो बेसिक हेडविंड्स हैं हमारे मैक्रो के लिए कि एनर्जी प्राइसिस हैं एडवांस इकोनॉमी के सेंट्रल बैंकर्स बहुत तेजी से रेट हाइक कर रहे हैं या हमारा लोकल इन्फ्लेशन कूल cool डाउन नहीं हो रहा है अगर ये इन कैलकुलेशंस में या इन एक्सपेक्टेशंस में कुछ चेंज होता है ये एज्यूम करना ठीक है कि 10 साल का बॉन्ड 775 से 8 के बीच में अगले तीन महीने में ट्रेड होगा विच इज बाय इन्वेस्टर्स को जहाँ पे रिस्क ठीक से प्राइस हो गई है वहाँ पे उसको एक्सपोजर uh, लेना चाहिए और जहाँ पे रिस्क ठीक से प्राइस नहीं हुई है वहाँ पर अभी एक्सपोजर लेना अवॉइड करना चाहिए टू सम शॉर्टर एंड ऑफ द कव है स्पेसिफिकली तीन नौ बारह महीने के पॉइंट के के है छह महीने रुकना चाहिए एक बार जब ये ढंग से एडजस्ट हो जाएंगे उसके बाद उस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.